आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में। शुरू से लेकर आज दिन तक के भारत के जो राष्ट्रपति बने हैं उसका नाम क्या है और उसका समयावधि कितनी थी वो भी आपको बताएंगे। तो आइए भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ईस्वी सन 1950 से 1962। भारत के दूसरे राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ईस्वी सन 1962 से 1968। भारत के तीसरे राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ईस्वी सन 1967 से ईस्वी सन 1969। भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति तरीके जिसको नियुक्त किया गया था उसका नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी। 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969। पांचवें कार्यकारी राष्ट्रपति तरीके नियुक्त किए गए राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद हिदायतुल्ला। 20 जुलाई से 24 सितंबर ईस्वी सन 1969 तक। भारत के छठे राष्ट्रपति का नाम है वराहगिरी वेंकट गिरी। ईस्वी सन 1969 से ईस्वी सन 1974 तक। सातवें राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। ईस्वी सन 1974 से ईस्वी सन 1977 तक। भारत के आठवें कार्यकारी राष्ट्रपति तरीके नियुक्त किए गए राष्ट्रपति का नाम है बीडी जती। 11 फेब्रुआरी 1977 से 25 जुलाई ईस्वी सन 1977 तक। नौवें राष्ट्रपति का नाम नीलम संजीव रेड्डी। ईस्वी सन 1977 से लेकर 82 तक। दसवें राष्ट्रपति का नाम ज्ञानी जेल सिंह। 1982 से 1987। 11वां राष्ट्रपति आर वेंकट रामन। ईस्वी सन 1987 से 1992। 12वां राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ईस्वी सन 1992 से 1997। 13वें राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायण। 1997 से लेकर 2002 तक। 14वां राष्ट्रपति है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 2002 से 2007 तक। 15वां राष्ट्रपति का नाम है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। 2007 से 2012 तक। 16वें राष्ट्रपति का नाम है प्रणब मुखर्जी। 2012 से 2017 तक। 17वें राष्ट्रपति का नाम है रामनाथ कोविंद। 25/7/2017 से आज दिन तक शुरू है। इस वीडियो को
लाइक और सब्सक्राइब करके अन्य लोगों तक पहुंचा दो, ताकि उसको भी भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।